हेलो दोस्तों, नमस्कार। रसो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पथरी का साग। तो आप देख सकते हैं, ये पथरी का साग है दोस्तों। ये बहुत लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ है, खरपतवार समझ के फेंक देते हैं दोस्तों। ये खासकर गांव में मिलता है दोस्तों, और खेत में बरसात का जब सीज़न होता तभी मिलता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लाभदायक साग होता है, और ये पथरी का साग है दोस्तों। और आप आइए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। ये गुर्दे और किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर शरीर में कोई सूजन होता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है ये दोस्तों। तो इसका साग बनाएंगे दोस्तों। तो आइए, इसे पहले हम तोड़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे खेत में पथरी का साग ये बिल्कुल उगा हुआ है, क्योंकि ये बरसात का जब सीज़न होता है तभी ये पाया जाता है, और इसकी खेती नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल नज़दीक हम दिखा देते हैं, ये काफ़ी साग है, और इसका साग बहुत ही अच्छा होता है। इसका सेवन ज़रूर कीजिए आप लोग। तो आइए, साग को और हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे साग को, ये देखिए। तो दोस्तों, पथरी के साग को हम खेत में से ले आए हैं। अब आइए, इसको जो कोमल पत्ते हैं और नरम डंठल है इसको तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, जो बिल्कुल आसानी से टूट जाता है, और उसका डंठल उसे तोड़ लेंगे। और इस तरीके से हम डंठल को, जो कड़ा डंठल है उसे हटा देंगे, ये देखिए। और इसके गोल गोल पत्ते जो हैं, ये देखिए, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये ज़मीन से काफ़ी सटे हुए होते हैं दोस्तों, तो इसे कम से कम 4 से 5 पानी अच्छी तरीके से हम धो लेंगे। तो दोस्तों, पथरी के साग को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो दोस्तों, पथरी के साग को अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। अब धोने के बाद आइए, इसे काट लेते हैं दोस्तों। वो बारीक बारीक इसे काट लेते हैं। इसी तरीके से सभी साग को हम काट लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, साग को हमने काट लिया है, अब इसे चल रहे हैं उबलने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, गैस को हमने जला दिया, हमने लिया एक पतीला। अब पतीले में साग को हम रख के उबाल लेंगे 4 से 5 मिनट। इसे साग को उबाल लेंगे। तो दोस्तों, साग को उबालने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, और इसे 5-6 मिनट हम ढक के उबाल लेंगे धीमी आंच पे। तो दोस्तों, साग हमने 5 से 6 मिनट उबाल लिए हैं। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, साग में तड़का लगाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, और कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तो दोस्तों, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, जो हमने कूट के रखा हुआ है इसे हम डाल लेंगे, और साथ में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसको ब्राउन बिल्कुल भून लेंगे। तो दोस्तों, लहसुन और मिर्चा हमारा देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। तो मसाला हमारा देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल के अंदर पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ साग, पानी था हमने उसे भी डाल दिया है, पानी हमने नहीं निकाला है। अगर हम पानी निकाल के फेंक देंगे तो इसमें जो विटामिन है पानी के अंदर, साग का जो तत्व तो है, वो सारा निकल जाएगा। तो साग और पानी साथ में हमने डाल दिया है, और इसे धीमी आंच पे हम पकाएंगे। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार।
और 15 मिनट 10 से 15 मिनट साग को हम धीमी आंच पे पका लेंगे ढक के। तो दोस्तों बीच में एक दो बार साग को चला देना है कि साग नीचे से लगने ना पाए और धीमी आंच पे ही पकाना है। तो दोस्तों पथरी का साग हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बना हुआ और काफ़ी स्वादिष्ट है दोस्तों। और गैस को हम बंद कर दे रहे हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पथरी का साग हमारा बिल्कुल बन के तैयार, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से बनाएं और परिवार के साथ बच्चों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।